सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस एंड हॉस्पिटल डेमोटाण कैंपस स्थित श्रीनिवास सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीनिवास सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब COVID-19 की गोल्ड स्टैंडर्ड विधि यानी आरटीपीसीआर की जाँच की जाएगी। श्रीनिवास हॉस्पिटल मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए NABL ICMR के साथ साथ झारखंड सरकार से भी मान्यता प्राप्त है। मौके पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि इस लैब में कोविड जांच के लिए मरीजों का सैंपल घर से भी कलेक्ट किया जा सकता है तथा यह संस्थान होम क्वारंटाइन हुए COVID-19 संक्रमित को कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराएगी, जिसमें डॉक्टर से परामर्श, नर्सिंग, दवाइयाँ, सैनिटाइजेशन जैसी सुविधाएँ हैं। इसके लिए कई तरह के पैकेज रखे गए हैं जिसमें मरीज अपने बजट के अनुसार अपना पैकेज चुन सकते हैं। साथ ही श्रीनिवास ब्लड बैंक में प्लाज्मा एफरेसिस भी शुरू हो गया है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अगर COVID-19 संक्रमण से ठीक हो गए हैं और 14 से 28 दिन का स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं तो वे अपना प्लाज्मा दान करके किसी अन्य संक्रमित जिंदगी को बचा सकते हैं। इस अवसर पर विभागीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के उच्च स्तरीय लैब से हजारीबाग के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों को सहूलियत मिलेगी, साथ ही हजारीबाग के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट।